गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज थर्सडे है और मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं फास्ट के दिन क्या क्या खाती हूँ। तो 3 मील लूँगी मैं पूरे दिन में, और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट है बट क्योंकि मुझे अभी मैं घर पे हूँ और पूजा भी करनी होती है, तो ये ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी चलिए मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। जी, तो मेरे ब्रेकफास्ट रेडी है। ये साबूदाने के पापड़ हैं। बेसिकली जो थर्सडे का फास्ट होता है उसमें नमक नहीं खाते, कोई सा भी नमक, मीन्स जो फलहार वाला होता है वो भी नहीं खाते। तो मेरी मम्मी ने ये बना के दिया है। ये साबूदाने का पापड़ है और साबूदाने को पहले रात में सोख किया, उसके बाद उसको एक बड़े से भगोने में पका लिया और फिर छत पे किसी प्लास्टिक पे उन्होंने सर्विंग स्पून से सारे ऐसे गोल गोल फैला दिए और सुखा लिए। और ये मेरी मम्मी ने मुझे हाफ के जी करीब बना के भेजे थे, क्योंकि उन्हें पता है मैं थर्सडे का फास्ट रहती हूँ और अभी ख़त्म होने वाले हैं। सो ये बहुत, क्योंकि एक तो ये हल्के होते हैं और दूसरी चीज़ नमक के बिना बहुत कम ऑप्शन होते हैं कि हम कुछ खाएँ। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट में ये और मेरी चाय। कल सुन पा रहे होंगे आप, और ये होममेड है इसलिए हेल्दी भी है। मैं ये फास्ट काफ़ी सालों से रह रही हूँ, और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं आपको पता होगा, जितने मतलब क्लोज फ्रेंड हैं उनको पता है मैं थर्सडे का फास्ट रहती हूँ। तो ये जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हमेशा खाती हूँ पूरे दिन, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सब ऐसे ही करते हैं। फास्ट है, सब अपना अलग अलग तरीके से करते हैं। सो अभी फ़िलहाल कुछ वीक से, जब से मैं घर पे हूँ तब से मेरा यही ट्रेंड है। जब ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि फिर और अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, फिर ज़्यादा भूख लगती है। सो ऑफिस में थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। कभी कभी मैं दोपहर में कुछ बना के लिए ले कर चले जाती हूँ, बट आजकल तो ऐसे ही हल्का फुल्का चलता है जब तक जब से घर पर हूँ। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे लंच में मिलती हूँ। लंच में जाएंगे कहीं बाहर, देखेंगे कुछ फास्ट वाला मिले, पीनट्स वगैरह या फिर जूस मिल जाता है तो जूस ले लेंगे। लंच में मिलती हूँ आपसे। हेलो हेलो हेलो। सो दोपहर का टाइम हो गया है और नोएडा में एकदम भी धूप नहीं है। तो अभी 3 बज रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग बाहर कुछ देखने जाएंगे कि कुछ अवेलेबल है कि नहीं है। तो चलिए कोई अच्छे से शॉप ढूंढती हूँ, उसके बाद फिर आपसे करते हैं। तो मुझे एक फ्रूट जूस की शॉप मिली है, और आइए देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। नमक नहीं रहेगा? नहीं नहीं, नमक नहीं रहेगा, कुछ मसाला भी नहीं रहेगा, एकदम प्लेन। उन्होंने सारे जूस को मिक्स करके एक मिक्स जूस बनाया। तो अभी ये लंच टाइप का, मतलब लंच तो बहुत हल्का है बट अभी यही है। डिनर में मैं बनाऊंगी दलिया, मीठी दलिया। वो होती है गेहूँ की होती है, और बस उसको थोड़ा सा फ्राई करके दलिया बनाऊंगी दूध डाल के, फिर आपको दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। लंच हो गया, पनीर ले ली, अब चलते हैं घर। आप लोग मुझे बताइए, क्या अभी आजकल एक ना चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है, लिविंग इन 100 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। ऐसे मैं जैसे लोकेशन में रहती हूँ, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट आप लोग देखना चाहेंगे क्या मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसकी कुछ देखती हूँ उसके लिए।
और साथ में ही मुझे ये भी बताइए कि आपको 24 आवर चैलेंज देखने हैं क्या मेरे चैनल पे, तो मैं उसे आगे फिर ट्राई करती हूँ। और धीरे धीरे मेरे मेरी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, सेटअप मेरा पूरा तैयार हो रहा है, तो जैसे जैसे और चीज़ें हो जाएंगी फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी शूटिंग में। अब मैं घर चलती हूँ और मिलते हैं घर पहुँच के आपसे। मैं वापस आ गई, मेरा मास्क मैंने रख दिया। अब बनाऊँगी मैं डिनर, प्रिपेयर करूँगी वही करीब 7 से 7:30 बजे के बीच में। उसके बीच में मुझे लगता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कुछ खाने का, बट इन केस अगर भूख लगेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, और फिर नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट डिनर में मिलूँगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। टाइम हो गया है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दलिया बनाते हैं, तो चलिए पहले फटाफट दलिया बनाते हैं। मेरा वही पैन, तो बोलाऊँगी 1 man army होती है ये मेरा 1 man army है, और मैं ज़्यादा चीज़ें इसी में बना लेती हूँ। ये दलिया है, इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक। पानी डाल के और इसे इसे थोड़े से पका रहे हैं। ये देखिए तो ये रेडी है, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मैं इन पे से ही स्प्रिंकल कर देती हूँ। रियली टायर्ड नाउ, तो थक गई भाई। दिन खत्म हो गया, ये मेरा लास्ट मील है। बट होता है ना, सॉल्ट के बिना अगर कोई चीज़ आपको खाने को दी जाए तो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते। बचपन में तो हम साबुदाने की खिचड़ी के लिए पता नहीं कितने व्रत रख लिए मेरे ख्याल से सारे बच्चे ही करते हैं। आप बताइए, आपने साबुदाने की खिचड़ी के लिए व्रत रखा था कि नहीं बचपन में? इसके लिए लास्ट मिला, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट करना है कि आप फास्ट में क्या क्या खाते हैं। और प्लीज आप लोग वीडियो शेयर करते रहिए लोगों से, तभी सब्सक्राइबर गेन होंगे, तभी मैं थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं। आपको क्या देखना पसंद है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी अपने उनसे कंप्लीट करने के लिए। ऐसा फिनिश करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।